रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी तो मेरी थी बर्थडे और मैंने अपनी बर्थडे पे ख़ुद ही केक बनाया था ज़िंदगी में पहली दफ़ा और पहले मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी फिर हम साथ साथ बाकी आपको स्टोरी सुनाती हूँ जी तो यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले वनीला एक्सट्रैक्ट मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून और मैंने वन एंड हाफ कप मैंने आइसिंग शुगर इसमें यूज़ की थी थ्री कप मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया था वन टी बेकिंग पाउडर एंड वन एंड फोर टी मैंने सॉल्ट लिया था एंड वन एंड फोर कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और uh, uh, चार मैंने लिए थे एग्स चलें जी अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम अंडों की जो जर्दी है वो अलहदा कर लेंगे और जो सफ़ेदी है वो अलग कर लेंगे और फिर हम इनको सेपरेटली जो है वो विस्फ करेंगे ठीक है जी तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं एग बीट करूँगी एग में मैं साथ साथ बीटिंग करूँगी और साथ साथ मैं आइसिंग शुगर इसमें डाल दूँगी केक मैं मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं करती हूँ बहुत कम करती हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कर लेती हूँ जी तो यहाँ अब मैंने इसमें मैं इस केक में आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ आइसिंग शुगर से मेरे हिसाब से केक बहुत सॉफ़्ट बनता है आ, बाकियों का मुझे नहीं पता और यहाँ मैंने अच्छे से जो है वो अपनी इतनी हमने बीट करना है कि वो क्रीम की शक्ल में आ जाए दूसरी तरफ जी हम जो सफेदी है अंडों की उसे भी इतना बीट करेंगे कि वो एक जो वो फॉर्म सी बन जाती है ना आ, वैसी बन जाए आ, मैं जी अपनी बर्थडे बचपन से ही आ, मैं वो बच्ची हूँ कि जो जिसकी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता था ना तो मैं नाराज़ हो जाती थी तो सब ना मेरे डर से भी हर साल मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और शादी के बाद भी मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई सेलिब्रेशन लेकिन बस मुझे ये होता है कि मुझे अच्छे से सब विश करें और जी मेरा केक कटे और सारे हैप्पी बर्थडे बोले और ये वो सारा और ये सारे मामल मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है और आगे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बेटी की है जो है बर्थडे वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ बेटी की बर्थडे में जरा अच्छी सेलिब्रेट करती हूँ सबको बुला के ये वो सारा अच्छा ये देखें अब ये सफ़ेद जब हमने फुली वो फॉर्म की शेप में आ गई तो मैंने उसमें अपनी वो जर्दी डाल दी और इधर जी मैं ये हमारा जो ड्राई मिक्सचर है उसको मैं छान रही हूँ इसमें इसके अंदर ही मैंने बेकिंग सोडा और नमक डाल दिया था और अब हम इसको जो है बारी बारी इसमें अपना पाउडर डालते जाएंगे फ्लावर और हम बीट करते जाएंगे और मैंने हाफ लीटर दूध लिया है दूध में सारा नहीं डालूंगी मैं साथ साथ डालती जाऊंगी जितना क्योंकि केक का लिक्विड बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सचर ना ड्राई होना चाहिए बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो पतला भी नहीं होना चाहिए इस तरह से केक जो है बहुत सॉफ़्ट बनता है आ, मैं केक में कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी दफ़ा भी बनाया है अच्छा बना है सबको अच्छा लगा है तो आज मियाँ साहब ने जी मुझे कहा कि आप जो है ख़ुद बेकिंग करें आ, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया अच्छा जी अब इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया ठीक है जी हाँ जी तो मैं आपको बता रही हूँ पहले तो मुझे हल्का सा आया गुस्सा कि जी ये क्या बात हुई मैं अपनी बर्थडे पे जो हूँ वो खुद ही केक जो है वो बेक करूँ तो हस्बैंड उस दिन थोड़े उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है फिर आ, उनका प्लान ये था कि वो काम पे जाएंगे तो वापसी पर मेरे लिए केक ले आएंगे लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से जा नहीं सके काम पर तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं ले आता हूँ फिर मैंने कहा कि नहीं आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो चलो फिर मैं घर पर बना लेती हूँ <laughs> तो जी ये स्टोरी हुई और फर्स्ट टाइम जी पहले मैंने अपनी जो बर्थडे पे है वो केक भी खुद ही बनाया अच्छा जी यहाँ पे ये देखिए जी मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और अब हम अपने पैन में जो है ऑयलिंग कर लेंगे पहले और मैंने पेपर भी बड़ा कोशिश की कि बड़ा राउंड राउंड जो है वो मैं काट सकूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कट गया था अच्छा जी साइडों पे भी आपने अच्छे से जो है वो ऑयलिंग करनी है अच्छा इस पैन की अच्छी बात ये है कि जब हम इसको साइड से खोलते हैं तो नीचे से जो है वो केक अलग हो जाता है और ये ऊपर आ जाता है कुछ जो होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं साइड से आ, लेकिन मैंने यही सोच के ये लिया था कि ये साइड से पूरा खुल जाएगा लेकिन ज, 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 आ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भी आई I मीन mean, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं इसको ढीला करूंगी तो ये नीचे से पैन अलहदा हो जाएगा और ऊपर से सेलहदा हो जाएगा अच्छा जी यहाँ पे मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर ली है अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी मैंने ये फोर्टी फाइव मिनट जो है वो मैंने इसको बेक किया था और अलहदुल्ला ये केक बहुत मज़े का बना था और अगले दिन मैंने ये ऑफिस भी भेजा और आ, मेरे भाइयों का तो नहीं पता उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा लेकिन मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि जो हमारे पास कस्टमर्स आए थे उनको बहुत लगा था अच्छा जी ये देखिए जी यहाँ केक जो है वो बेक हो चुका है ये देखें उसके ऊपर कोई वो नहीं लग रहा तो इसका मतलब है ये इस तरह से जब आप चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि केक बेक हुआ है या नहीं हुआ तो अगर क्लियर वो आपकी स्टिक निकल है तो दैट मीन्स कि आपकी बेकिंग जो है वो परफेक्ट होगी ये देखें अब मैं इसे साइड से मैंने इसे खोला है तो मैं ये अच्छा मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला यूज़ किया है तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि खुलेगा लेकिन वो खुला नहीं वो नीचे से सेपरेट हो गया था तो ये थी जी ये स्टोरी थी अब हम इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेंगे आ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे एफर्ट नहीं डाली थी आ, बस मैंने सिंपल से ऐसे किया था मैंने वो पीच की बनाई थी सॉस बनाई थी इसको अब मैं ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी क्योंकि फिर वो मेरी इस पर डेकोरेशन बैठनी नहीं थी तो जी अब हम नीचे से जो पेपर है वो उतार देंगे आपको देखने से आइडिया रहा होना है कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बेक हुआ था और बड़ा ये सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ था तो अच्छा बेकिंग ऐसी चीज़ है कि आपकी परफेक्ट हो जाए ना तो बड़ी खुशी होती है शायद मैं बेकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खुशी होती है एनी <laughs> वेज जी को मैंने कट कर लिया था और इसके ऊपर भी मैंने सॉस लगा दी थी वैसे तो मैंने अपना कुकिंग चैनल बनाया हुआ है लेकिन मैंने आज तक अभी दावा नहीं किया कि मैं बहुत अच्छी कोई कुक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी खाने बनाती हूँ अच्छे बना लेती हूँ लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कोई बहुत बड़ी कुक हूँ या मैं परफेक्ट हूँ हर हर इंसान से गलतियाँ होती हैं तो जी आ, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता अच्छा जी अब इसके ऊपर मैं कर लूँगी आइसिंग शुगर मैंने ऊपर सारी फैला दी थी और फिर मैंने ऊपर थोड़े फ्रूट्स लगा दिए थे क्योंकि ये मैंने पीच केक बनाया था तो मैंने पीच ऊपर काट के लगा दिए थे दरमियान में मैंने सौस लगा दी थी तो जी ये बहुत मज़े का बन गया था और फिर हमने काट लिया था और आ, काटने की तो कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है बस थोड़ी सी ही मैं वो हस बैंड ने जो की थी उसको मैंने थोड़ा एडिट कर दिया था तो ये थी जी मेरी बर्थडे बर्थडे बड़ी सिंपल थी कोई किसी को नहीं बुलाया था बस टेबल एक डेकोरेट करके जी हमने केक काट लिया था और मैं थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मैं रेडी स्टडी हो गई थी नेल पॉलिश का जी मुझे बचपन से ही बड़ा शौक है और मेरे पास हमेशा नेल पॉलिश की बड़ी मज़े मज़े की कलेक्शन होती है लेकिन ये है कि नेल पॉलिश के लिए फिर आपको थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है क्योंकि नमाज वज़ू जो है वो नेल पॉलिश से नहीं होता तो ये शौक़ पूरा करने के काफ़ी आपको जो है वो एफर्ट डालनी पड़ती है इसको रिमूव करने की फिर लगाने की ये वो चलें जी यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी फिर हमने केक काटा था और आ, फिर जी मेरी बर्थडे हो गई थी अब बस मुझे ये है कि मेरी सितंबर में मेरी बेटी की बर्थडे है तो उसके लिए मैं थोड़ा प्लान कर रही हूँ कि मैं बुलाऊँ भी लोगों को इनवाइट भी करूँ और मैं छोटा सा फंक्शन करूँ लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक कोई भी हॉल वगैरह जो है वो आपको गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है जहाँ आप मिक्स गैदरिंग कर सको तो मे बी मैं घर पर करूं या मैं सो, इस दफा मैं सोच रही हूं कि मैं मे बी मैं पार्क में करूं आ, बड़े अच्छे यहाँ मैंने देखा है लोगों को पार्क में बड़ा अच्छा सेटअप सेटअप करके वो जो है वो बर्थडे मना रहे होते हैं तो तो केक माशाल्लाह बहुत 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 यमी बना था और हमने उस वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि खाना भी खाया हुआ था तो फिर बाद में रात को मैंने जो है वो थोड़ा सा मैंने बस खाया था और चाय के साथ लेकिन केक बहुत टेस्टी बना था बहुत ही सॉफ्ट बहुत बना था और मुझे ये होता है कि केक जो है ना सॉफ्ट भी हो और फुल पका हुआ भी हो वो गिला गिला मुझे वैसे केक नहीं अच्छे लगते तो जी आ, अगले दिन फिर हस्बैंड को थोड़ा फील हुआ कि उसने अपनी बर्थडे पे ख़ुद ही केक बनाया तो फिर अगले दिन वो मेरे लिए मेरा फेवरेट चीज़ केक लाए थे तो वो फिर हमने दोबारा से कट किया था ये देखिए जी यू कैन सी बसो यमी तो जी ये थी मेरी बर्थडे सिंपल सी आई तो I mean, मीन के में लेकिन यही छोटी छोटी, छोटी खुशियाँ होती हैं बाहर के मुल्कों में यहाँ कोई बड़े बड़े फंक्शंस नहीं होते आ, बस छोटी छोटी, -छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं जिसे हम मिल बांट के जो है वो इंजॉय कर लेते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे आबाद रखे मुझे दीजिए इजाज़त खुदा